हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है दिनेश फ्लावर डेकोरेशन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज मैं आपको जो स्टेज दिखाने जा रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप स्टेज है, पिलर का तो स्टेप बाय स्टेप स्टेज आप देख भी होगा, सॉरी पाटा का स्टेप बाय स्टेप स्टेज तो आप जानते होंगे, लेकिन पिलर का भी स्टेप बाय स्टेप बनता है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। लेकिन सबसे पहले ये जो आप विवाह भवन देख रहे हैं, सूरज गार्डन हुआ इनका नाम, जो सैद नगर पेट्रोल पंप सूरज गार्डन हुआ बैंकट हॉल, जो एचपी गैस एजेंसी सैद नगर पेट्रोल पंप से हल्का सा आगे एचपी गैस एजेंसी है। तो यहाँ किसी भी शुभ अवसर पर आप आ करके, जैसे कि शादी हो, इंगेजमेंट हो, या हल्दी हो, मेहंदी हो, कोई भी हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर आपको फंक्शन हो तो यहाँ से आप आ करके करवा सकते हैं। ये इनका लॉन एरिया हुआ, देख लीजिए, ये लहरिया सराय में इसके इतना लॉन एरिया बड़ा हमारे हिसाब से कहीं नहीं होगा। अपने लहरिया सराय के अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए लॉन एरिया में पूरा ये जो हट पंडाल होता है, ये हट पंडाल का डेकोरेशन हो रहा है, ये कल का डेकोरेशन है। ये रहा आपका सामने जो आप देख रहे हैं, ये बैंकट हॉल हुआ, जैसे कि नीचे बना हुआ है, पूरा क्लियर है, इसके ऊपर भी बन रहा है। तो किसी भी शुभ अवसर में आप यहाँ पर आकर के बुकिंग करवा सकते हैं। देख लीजिए ये खाना स्टॉल, जो कल का जो डेकोरेशन होगा, कल का जो फंक्शन है, इसमें ये खाना स्टॉल का डेकोरेशन है, देख लीजिए पूरा टोटल में फेदर जो आता है, फेदर लगा हुआ है, पूरा टोटल प्रिंट कपड़ा पे काम किया गया है। जो हट पंडाल टोटल जो देख रहे बना हुआ, टोटल का टोटल प्रिंट कपड़ा है। तो आप आ जाइए, आपकी स्टेज का जो फ्रेमिंग है उसका क्या साइज है, ये जो फ्रेमिंग आप देख रहे हैं ये 10x10 का फ्रेमिंग है। स्टेप बाय स्टेप जो आपका जो बीम का ओनली फॉर बीम का स्टेप बाय स्टेप जो डेकोरेशन होगा, ये 10x10 का फ्रेमिंग है। इसका पिलर भी जो देख रहे हैं 10 है, उस साइड से मानेंगे टोटल खड़ा भी 10 है, इसका चौड़ाई भी जो है वो भी 10 फीट है। और सबसे पहले इसमें देख लीजिए गार्डन किया, सबसे पहले जो इसमें पत्ता का, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसमें कच्चा पत्ता मार ले, जो भी मारना होगा कच्चा पत्ता पर मार ले, और कच्चा पत्ता मारने के बाद जो इसमें फ्लावर लगाया जाएगा। तो फिलहाल अभी कच्चा पत्ता ही लग रहा है, जैसे घोड़ा पत्ता बोला जाता है, कच्चा पत्ता वही फिलहाल अभी लग रहा है, देख लीजिए टोटल जो है घोड़ा पत्ता जो लग रहा है कच्चा, पहले पत्ता मारने के बाद जो इसमें ऑर्किड हो या कार्नेशन हो, दोनों मिक्सिंग होगा, या ओनली फॉर ऑर्किड ही लगेगा, जो भी लगेगा उसके बाद इसके बाद लगाया जाएगा पूरा कच्चा पत्ता लगाने के बाद। और स्टेज का आप शायद समझ लें कि जो स्टेज जो डेकोरेशन जो हो रहा है, स्टेज है 24x12, यानी कि 24 फीट इसका लंबाई हुआ, 12 फीट इसका चौड़ाई हुआ, और खड़ाई इसका 2.5 फीट है, इसका जो पैप है इसका 2.5 फीट है। ये देख लीजिए ये जो फ्रेमिंग बना हुआ है, टोटल फ्रेमिंग है 24x12 में बना हुआ है, 24 फीट लंबा हुआ, इसका जो लंबाई आप देख रहे हैं 24 बीच में जो लंबाई इसका देख रहे 24 फीट है। आई जो आप बीम जो देख रहे हैं बना हुआ है 13 फीट पर बना गया है। अब आपको पूरा लेना है, आप 13 फीट पे किसी कोई भी हिसाब से आप पुराइए, 8x8 करके पुराइए या 7x6 करके पुराइए, जैसे आपको पुराना है 13 फीट, वो 13 फीट आपको बीम बांध देना है। इसके ऊपर में जो 24 फीट का बीम है, स्टेज का साइड अगर 24 फीट है तो इसका जो डेकोरेशन होगा वो भी 24 फीट पर ही होगा। तो इसका भी आप 24 फीट बना ले, जिसमें इसको बनाने के बाद जिसमें उसी लग चुका है, रौजा के कारण इसमें अभी गार्डन नहीं हो रहा है, इसमें भी गार्डन किया जाएगा। ये भी फ्रेमिंग तैयार है, फ्रेमिंग तैयार होने के बाद इसमें भी तैयार है, इसके बाद इसमें गार्डन किया जाएगा। सबसे पहले तो इसमें गार्डन किया जाएगा, ये जो 10x10 का फ्रेमिंग था, देख लीजिए 10x10 का फ्रेमिंग में टोटल कच्चा पत्ता लग चुका है, इसके बाद इसमें फ्लावर लगाया जाएगा। देख रहे हैं आप, जैसे कि देख रहे हैं कि टोटल का टोटल कच्चा पत्ता लग चुका है, हल्का सा इसमें बाकी है, इसके बाद इसमें फ्लावर लगाया जाएगा। इसमें फ्लावर लगने के बाद जो है ये 14 फीट का, जो आप 24 फीट का देख रहे हैं फ्रेमिंग तैयार है, ये 24 फीट के फ्रेमिंग में फिर इसमें भी कच्चा पत्ता मार के इसमें भी फ्लावर लगाया जाएगा। हट पंडाल देख लीजिए, हट पंडाल बनाने का तरीका है ये बीम से ही हट पंडाल इसको बनाया गया। जो फ्लावर में अब पिलर यूज करते हैं उसी का 4x4 पिलर ये बीम हुआ, 4x4 बना करके इसको हट पंडाल बना दिया गया है। और टोटल में प्रिंटेड कपड़ा है, वो भी इसमें सादा कपड़ा, रोटो कपड़ा जो सादा कपड़ा जो आता है उन्हें लगा हुआ है, टोटल के टोटल इसमें प्रिंट कपड़ा है। तो ये एक बार मैं आपको बता दूं कि ये सूरज बैंकट हॉल हुआ, सैद नगर पेट्रोल पंप एचपी गैस एजेंसी के सामने है, किसी भी अवसर शुभ अवसर पर आप आकर के यहाँ से बुकिंग करवा सकते हैं। ये देख लीजिए हिटलॉन हुआ, ये हिटलॉन में आप रौदा के कारण जो हिटलॉन में पहले गार्डन कर करके देख रहे ना, पहले गार्डन इसी में बैठ करके नीचे में गार्डन किया जा रहा है, गार्डन नीचे में करने के बाद जो इसको जहाँ पे लगाया जाएगा, जो बीम पे लगाना है बीम पे लगाइए, या गेट पे या गैलरी पे जहाँ पे भी लगाना है, इसको जा करके आप तार से बांध करके लगा सकते हैं। धूप ज़्यादा है इसलिए छाँव में बैठ करके इसको काम हो रहा है, इसके काम होने के बाद जो है देख लीजिए एक ठो जो है इतना तैयार हो चुका है, देख लीजिए ये टोटल तैयार है, 4 लाइन इसमें कार्नेशन लगाया गया है,
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 4 लाइन या 5 लाइन जो भी लगाना हो, 4 लाइन या 5 लाइन वो कार्नेशन लगाए तो ये अलग से इसको लगा करके कार्नेशन का इसको गार्डन करके इसके बाद जो है इसमें बी में लगाएगा लगाइए या स्टेज पे या गेट पे कहीं भी अगर लगाना हो तो बाद में इसके उसको इसको जा करके आप लगा सकते हैं। ये स्टेज का जो पाइप है, आप कहीं कहीं देखिए हो जाएगा कि स्टेज में गुना कसने वाला पाइप आता है, ये फोल्डिंग सिस्टम पाइप है, इस चीज़ पर ध्यान रख लीजिए। फोल्डिंग सिस्टम है, ये बड़ा साइज है, इसका जो पाइप आप अंदर में घुसाते हैं ये छोटा साइज है, देख रहे हैं, फोल्डिंग सिस्टम है, उठाइए और निकालिए, उठाइए घुसाइए निकालिए, कसने वाला सिस्टम नहीं है। जैसे कि मैंने इससे पहले के वीडियो में बताया था कि 1.5 इंची का एंगल, 1.5 इंची का पाइप लेना है, 1.5 इंची का सॉकेट उसमें कसना है गुना बना करके, सो सिस्टम इसमें नहीं है, इसमें निकालने या घुसाने वाला सिस्टम है। ये साइज बड़ा है, इसका जो पाइप है नीचे का जो इसमें घुस लगाया हुआ है ये छोटा है, तो ये फोल्डिंग सिस्टम हुआ, ये भी बेटर रहता है, ये भी सही रहेगा, आपको निकाल थी टाइट उट करने का ज़्यादा टेंशन नहीं रहता है, इसी हिसाब से लगा टोटल का टोटल जो पाइप इसमें लगा हुआ है स्टेज में, टोटल का टोटल पाइप यही लगा हुआ है, देख लीजिए अंदर में जितना भी लगा हुआ हर एक सॉकेट में पाइप लगाया गया है ताकि स्टेज मजबूत रहे, जितना भी आदमी इस पर चढ़े तो कोई दिक्कत नहीं हो। स्टेज का साइज जो है, स्टेज का साइज हो गया कि आप 8x4 का, ये वो स्टेज का साइज है 8x4, देख लीजिए फ्रेमिंग जो लगाया गया इसका जो प्लाई इसमें जो 8x4 का आता है तो 8x4 का ये है, ये हो गया आपको इसका जो लंबाई हो गया ये 8 फीट हो गया, ये इसका चौड़ाई ये है 4 फीट है, छोटा छोटा में बनाया गया ताकि गाड़ी पे लोड करने में या लोड करने में दिक्कत ना हो, इसी कारण जो इसको छोटा छोटा साइज करके इसका बनाया गया है। कच्चा पत्ता लगाने का तरीका आप देख लीजिए, कच्चा पत्ता लगाने का तरीका है, सबसे पहले आप नीचे देख लीजिए, इसी तरह से नीचे मारते जाएँ, उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर मारते जाएगा इसका साइज जो छोटा होते जाएगा, इसको कैंची से काटने उठने का ज़रूरत नहीं है, इसको हाथ से ही तोड़ने जाइए, लगाते जाइए, लगाते इस तरह से लगाते जाना है, उसके बाद इसमें फ्लावर का काम होगा, आप देख लीजिए कि फ्लावर कौन सा फ्लावर लगता है, ऑर्किड लगता है या कार्नेशन लगता है, फ्लावर इसी हिसाब से देख लीजिए। कच्चा पत्थर का मारने का तरीका यही है, ये हिटलॉन काटने का नया तरीका देख लीजिए, हारी से हिटलॉन काटने के बाद हिटलॉन में गार्डन आप किस तरह से करें सो देख लीजिए। आप हिटलॉन में पहले आप कार्नेशन का गार्डन कर लें, यानी कि आर्टिफिशियल फ्लावर जो आता है कार्नेशन फ्लावर, वो फ्लावर पहले लगा ले, और फ्लावर लगाने के बाद जो इसमें जो कच्चा पत्ता जो लगेगा, ये देख लीजिए यहाँ कच्चा पत्ता रखा हुआ है, कच्चा पत्ता जो लगेगा इसके बाद इसमें लगेगा, कोशिश में ऐसा नहीं है, कोशिश में आप पहले कच्चा पत्ता लगा ले उसके बाद फ्लावर लगावे, लेकिन हिटलॉन में जो है पहले आप आर्टिफिशियल जो आता है कार्नेशन वो लगाने के बाद जो इसमें कच्चा पत्ता लगावे, क्योंकि हिटलॉन जो होता है थोड़ा हार्ड होता है, इस कारण इसको इसमें कच्चा पत्ता लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसी कारण जो है इसमें पहले आप कार्नेशन का गार्डन कर ले उसके बाद इसमें कच्चा पत्ता लगाया जाएगा। तब कार्नेशन अगर गार्डन करने का, कार्नेशन मारने का अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं, देख लीजिए जिस हिसाब से इसको मारा जा रहा है कार्नेशन उसी हिसाब से आप देख करके सीख सकते हैं। तो फ्रेंड अगर आप काम को समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए मैं वीडियो को 2 पार्ट या 3 पार्ट में बनाऊंगा, तो इसी कारण जो है आप वीडियो को जो अगर काम को समझना चाहते हैं कि कैसे इसको खड़ा किया गया, कैसे क्या किया गया है, तो इसी कारण जो वीडियो को पूरा देखें, जो भी वो 1 पार्ट या 2 पार्ट या 3 पार्ट में बने उसको पूरा देखना पड़ेगा तभी आप समझ पाइएगा। देख लीजिए फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि पत्ता पहले पत्ता मारने के बाद उसमें कार्नेशन लगाया जाएगा, तो देख लीजिए पत्ता मारने के बाद इसमें फिर कार्नेशन लगना शुरू है, व्हाइट कलर का कार्नेशन है और यहाँ का पिंक कलर का कार्नेशन देख रहे हैं, व्हाइट और पिंक रहेगा, देख लीजिए कार्नेशन देख लीजिए किस हिसाब से लग रहा है, पहले पत्ता मार ले उसके बाद कार्नेशन लग, उसी से अगर आप उसी पर काम करते हैं तो इसी तरह से करना पड़ेगा, अगर आप उसी पर काम करते हैं तो पहले आप उसी में कच्चा पत्ता मार लें उसके बाद कार्नेशन मारें, अगर आप हिटलॉन पर काम करते तो पहले आप उसमें कार्नेशन मार ले उसके बाद कच्चा पत्ता मारे, इसी हिसाब से आपको करना है, देख लीजिए पहले इसमें कच्चा पत्ता मारने के बाद जो है कार्नेशन, देख लो व्हाइट कलर का कार्नेशन लगाया जा रहा है, 4 कलर का व्हाइट कार्नेशन मारने के बाद जो है उसमें से पिंक कलर का कार्नेशन है, देख लीजिए पिंक कलर का कार्नेशन किस हिसाब से मार रहा है। गार्डन अगर आपको नहीं मारना हो, नहीं अगर मारना जानते होंगे तो आप यहाँ से भी सीख करके देख करके सीख सकते हैं कि गार्डन कैसे किया जाता है, और नहीं तो चैनल पर जाकर के आप सर्च मार सकते हैं कि कार्नेशन का गार्डन कैसे करें, तो वहां से भी आपको वीडियो मिल जाएगा, या ऑर्किड का गार्डन कैसे, या ऑर्किड कार्नेशन का मिक्स गार्डन कैसे करें, तो वहां से भी आप वीडियो देख करके सीख सकते हैं। अगर नहीं आपको यहाँ से ही सीखना है तो आप यहाँ से भी वीडियो देख करके सीख सकते हैं कि
कार्नेशन का गार्डन कैसे किया जा रहा है। देखिए पहले व्हाइट कार्नेशन लगाएगा, उसके बाद पिंक कार्नेशन लग रहा है। जैसे जैसे ये कार्नेशन मिक्स होते जाएगा, इसका जो है खूबसूरती जो है इसके गार्डन का खूबसूरती खिलते जाएगा। बस इस हिसाब से आपको छोटा वाला हाथ में रखना है। सिक्की आपको बड़ा साइज का ही लगाना है, जहाँ पर जिस तरह का सिक्की का यूज होगा, बड़ा सिक्की का जहाँ पर यूज होगा वहाँ पर बड़ा सिक्की, और जहाँ पर छोटा सिक्की का यूज होगा वहाँ पर छोटा सिक्की हाथ से तोड़ते हुए लगाते जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हाथ से जिस तरह जिस हिसाब का सिक्की लगता है उस हिसाब से सिक्की इसको तोड़ करके लगाते जा रहे हैं। देख रहे हैं इसी हिसाब से टोटल का जो जिसमें 10x10 का जो फ्रेमिंग बना हुआ है, 10x10 का टोटल के टोटल में वही कार्नेशन का वाइट और पिंक दो ही कलर का कार्नेशन का गार्डन किया जाएगा। देख लीजिए इसमें टोटल का टोटल वही कार्नेशन का गार्डन किया जाएगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि जो डेकोरेशन है ये दो पार्ट में बनेगा, ये स्टेज का जो डेकोरेशन दो पार्ट में बनेगा, एक पार्ट में बन नहीं पाएगा क्योंकि एक पार्ट में अगर हम बनाते हैं तो थोड़ा लंबा बन जाएगा, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में कर दूँगा ताकि आप 15-15 मिनट का अगर वीडियो रहता है तो आदमी देख भी लेते हैं। अगर वही हम एक घंटा का या पौन घंटा का वीडियो डाल दें तो आप देख नहीं पाइएगा। इसी कारण जो मैं इसको दो पार्ट में बनाऊंगा, तो दो पार्ट में अगर काम को समझना है या सीखना है कि इस तरह का डेकोरेशन कैसे करना है, अगर आप लोगों को कैसे करना है तो आप दोनों पार्ट वीडियो देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। कार्नेशन लगाने का तरीका भी जैसे कि मैंने आपको कहा था कि देख लीजिए, जहाँ पर जिस तरह का छोटा या बड़ा का जरूरत पड़ता है उसी हिसाब से इसको आप लगाते जाएँ, हाथ से तोड़ते जाएँ लगाते जाएँ। पत्ता में भी वही बात है, कच्चा पत्ता का जो गार्डन होता है, कच्चा पत्ता का जो होता है उसी में वही बात है, जहाँ पर जिस तरह का पत्ता का जरूरत हो, बड़ा पत्ता तो बड़ा पत्ता, छोटा पत्ता का जरूरत हो तो हाथ से तोड़ते जाएँ लगाते जाएँ। कार्नेशन के गार्डन में वही सिस्टम है। इसी हिसाब से आप खुद देख रहे हैं कि सिक्की हाथ से तोड़ते जा रहे हैं लगाते जा रहे हैं। सबसे पहली बात है कि इसको जो सिक्की जो लगाएगा टोटल का टोटल कार्नेशन में बड़ा सिक्की लगाएगा, उसके बाद अपने हिसाब से उसको तोड़ करके लगाते जाएँ। देख लीजिए टोटल जो कार्नेशन लगा हुआ है टोटल में सिक्की लगाया जाएगा। ये या थोड़ा धूप निकला हुआ है इसी कारण अभी नहीं लग रहा है सिक्की, थोड़ा देर के बाद इसमें भी सिक्की लगाया जाएगा। वाइट कार्नेशन के बाद इसमें पिंक कार्नेशन, देख लीजिए पिंक कलर का कार्नेशन है। इसके हाथ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कार्नेशन जो लग रहा है उसके हाथ पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि जिस तरह का सिक्की का जरूरत है इनको उसी हिसाब से सिक्की तोड़ा जा रहा है। बड़ा साइज का जरूरी है तो बड़ा साइज, छोटा साइज का जरूरत है तो छोटा साइज। बस इसी हिसाब से आप देखिएगा, देख करके भी आप सीख सकते हैं कि कार्नेशन का जो गार्डन होता है वो आप किस तरह से करें जो अच्छा लगेगा देखने में। ये तो आपको हो गया 10x10 का कार्नेशन का गार्डन शुरू हो रहा है। अब यहाँ देख लीजिए ये जो 13x24 का जो है 13 फीट इसका बीम का हाइट हुआ, इसका जो लंबाई है 24 फीट है, तो उसमें भी गार्डन कार्नेशन का ही गार्डन हो रहा है। इसमें भी जो है कार्नेशन का गार्डन ही हो रहा है, तो इसमें जो इसके कार्नेशन का गार्डन करने के बाद इसमें पत्ता जो बोले थे कच्चा पत्ता, उसके बाद इसमें कच्चा पत्ता लगाया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 24 फीट का ये है, ले लीजिए 24 फीट का ये बीम खड़ा किया गया, तो सबसे ऊपर खड़ा रहेगा। इसमें इसी कारण जो है इसमें कार्नेशन लगाया, पहले कार्नेशन लगाया जा रहा है, उसके बाद जो इसमें कच्चा पत्ता लगाया जाएगा, और उसके बाद ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं 13 फीट का जो बीम बना है उसमें पहले पत्ता लगाया जाएगा, उसके बाद इसमें कार्नेशन या आउटगेट जिसका भी गार्डन हो गार्डन किया जाएगा। तो इसी हिसाब से आपको भी करना है। आज ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करते रहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह का फ्लावर हम लगाते हैं या जो कलर का फ्लावर हम लगाते हैं उस तरह का फ्लावर आपको भी लगाना है, ज़रूरी नहीं है। जो फ्लावर आपके पास अवेलेबल है वो फ्लावर का काम कीजिए, जो कपड़ा आपके पास अवेलेबल है वो कपड़ा का आप काम कीजिए। देख लीजिए फिर जैसा मैंने आपको कहा था कि हिटलॉन जो गार्डन करते हैं उसमें पहले कार्नेशन मारे उसके बाद कच्चा पत्ता मारा जाता है। देख रहे हैं इसी हिसाब से इसमें लग रहा है, पहले इसमें कार्नेशन लगा दिया गया था, उसके बाद इसमें जो है कच्चा पत्ता लगाया जा रहा है। देख लीजिए कच्चा पत्ता इसमें लगा, इस हिसाब से अगर आप करते हैं तो कच्चा पत्ता का खपत कम होगा, और अगर सबसे पहले आप कच्चा पत्ता लगाते हैं उसके बाद कार्नेशन लगाते हैं तो कच्चा पत्ता का खपत ज़्यादा होता है, लेकिन देखने में बेहतर आपको वही लगेगा जो पहले कच्चा पत्ता लगा ले उसके बाद कार्नेशन लगावें। इसमें कच्चा पत्ता लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसी कारण जो है इसमें पहले कार्नेशन उसके बाद कच्चा पत्ता लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वीडियो मैं दो पार्ट में बनाऊंगा, तो वीडियो पे बने रहिएगा कि दो पार्ट में, पहला पार्ट में तो आपको मैंने आपको दिखा दिया कि गार्डन कितना बाई कितना का, मतलब गार्डन कैसे किया जाए, कितना कितना का फ्रेमिंग बना हुआ है, अभी खड़ा कैसे किया जाएगा, इसको टेका कैसे किया जाएगा, इसका मैं अगले पार्ट वाला वीडियो में बनाऊँगा। तो वीडियो को पूरा देखे, वीडियो को पूरा समझ। इसमें भी वही बात है,
कार्नेशन लगाने के बाद जो इसमें कच्चा पत्ता लगा जा रहा है, इसका कारण यही है कि अगर इसके पहले आप कार्नेशन का गार्डन कर देते हैं उसके बाद कच्चा पत्ता लगाते हैं तो कच्चा पत्ता का थोड़ा खपत आपको कम लगेगा। अगर पहले आप कच्चा पत्ता लगाते हैं उसके बाद कार्नेशन का गार्डन करते हैं तो पत्ता आपको ज़्यादा लगेगा, बस यही डिफरेंस है। लेकिन देखने में वही बेटर रहेगा जो पहले कच्चा पत्ता लगा करके तब गार्डन करे, देखने में वही खूबसूरत लगता है। और पहले ये गार्डन करके कच्चा पत्ता लगाएगा तो थोड़ा ही देखने में भद्दा लगेगा, लेकिन सबसे अच्छी बात यही है कि सबसे पहले आप कच्चा पत्ता मार ले उसके बाद कार्नेशन का गार्डन करे, इसी हिसाब से इसमें टोटल किया जाएगा। देख लीजिए टोटल का टोटल जो पहले गार्डन किया जाएगा उसके बाद कच्चा पत्ता लगाया जाएगा। तो वीडियो को मैं अब एंड कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि दो पार्ट में वीडियो बनेगा तो दूसरा पार्ट में आप इसके बाद बनाऊँगा।